एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शाइन विद बबीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी जिसका नाम है क्रिस्पी वेज नूडल्स। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। और वैसे तो ये रेस्टोरेंट में बनाई जाती है, लेकिन घर पर अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, नूडल्स बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टॉप्स का प्लेन नूडल्स लिया है, ये मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाता है। और इसको मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल करके इसको सादे पानी से, यानी कि ठंडे पानी से मैंने इसको धो लिया है। इसके बाद अब मैं इसमें 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लावर है, जिसको हम अरारोट भी बोलते हैं, ये मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी ताकि आपस में ये चिपके ना और जब मैं इसको फ्राई करूँ तो ये क्रिस्पी बने। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये अलग अलग हो जाएंगे। और ये हमारे, और कम हो तो थोड़ा सा आप इसमें और भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये आपके आपस में चिपकने नहीं चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। और अब मैं इसको, ये मैंने इसमें अरारोट लगा दिया है और अब मैं इसको साइड में रख दूंगी और इसको हम छोंकने का प्रोसेस शुरू करते हैं। क्रिस्पी नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ गैस पर एक पैन रखकर उसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है, उसको अच्छे से गर्म होने दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट। मैंने जिंजर को थोड़ा क्रश कर लिया है, ये देखिए। इसको हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इसको हल्का सोते करना है। गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी 2 कटी हरी मिर्च, ये देखिए। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच सोया सॉस, दो चम्मच विनेगर, दो चम्मच टमाटो केचप, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये देखिए, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है चिल्ली टमाटो सॉस, ये देखिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। हमें इसको केवल 10 से 15 सेकंड तक ही इसको हल्का सा उबालना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सॉल्ट। सॉल्ट अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितना आप खाते हो, ये देखिए। क्रिस्पी नूडल्स के लिए हमारी सॉस बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सॉस की, वो इस तरह की होनी चाहिए, ये देखिए। नूडल्स उबालते हुए आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपको नूडल्स बहुत ज़्यादा नहीं उबालने हैं और बहुत कम भी नहीं उबालने हैं। आप एक बार उसको ऐसे तोड़ के देख लेंगे, ये अगर इजीली दबकर ऐसे अलग हो जाए मीन्स आपके ये अच्छे से पक गए हैं। और इसको जैसे आप छलनी में छानेंगे, इसे आप ठंडे पानी से तुरंत उसके ऊपर ठंडा पानी चला दीजिए ताकि आपके ये चिपके ना। उसके बाद आप इसमें अरारोट लगाकर इसको 2 मिनट के लिए रख दीजिए। और अब मैं इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर एक पैन में तेल डाला है, उसको अच्छे से गर्म होने दिया है। और अब मैं इसको इसमें डीप फ्राई करूँगी, ये देखिए फ्रेंड्स,
इसको हमें गैस को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर देना है ताकि अच्छे से अंदर से अच्छे से पक जाए। और इसको आपने हिलाना नहीं है, ये एक ही साइड से अपने आप ही पूरे अच्छे से पक जाएंगे दोनों तरफ से। तो आप इसको कम से कम 2 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने दीजिए। फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स क्रिस्पी हो गए हैं। देखिए इस तरह से आपको ये निकालने हैं, साइड से थोड़ा तेल अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद आप इसको टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये जो हमने वेजिटेबल्स सोते की थी, इनको आप धीरे धीरे अपने ये जो हमने क्रिस्पी जो नूडल्स बनाया था उसके ऊपर हम धीरे धीरे इस तरह से बिछाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा ये लुक आ रहा है। ये अच्छे से हमने इसे बिछा ली हैं, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो हमने सॉस तैयार की थी वो। इस तरह से अगर आप नूडल्स बनाएंगे, क्रिस्प नूडल्स, तो आपका बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपका ये क्रिस्प नूडल्स अच्छा बने तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।